तक में दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एग्रीकल्चर फार्मिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्रीकल्चर की वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम अरफा करीमाबाद में मौजूद हैं जो कि चार चक के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम आपके लिए मतलब ये वीडियो स्पेशल लेके आए हैं कि लहसुन की काश्तकारी किस तरीके से की जाती है, कैसे की जाती है, इसको पानी देने का तरीका, इसकी कटाई का तरीका, और ये हम ये भी बताएंगे कि इसको बीज को कितना ज़मीन के अंदर करते हैं और कितना बाहर रखते हैं। और आज ये हम आपको लिए चलते हैं कुछ यहाँ पे मतलब हमारे भाई उसामा भाई हैं जो कि जिन्होंने अपने नीचे किसान वगैरह रखे हुए हैं जो कि लहसुन की काश्तकारी करते हैं, तो हम आपको उनके पास लिए चलते हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं उसामा भाई के पास जो कि सारे मामलात को मैनेज करते हैं। जी उसामा भाई, हमें पता है कि आप इन ज़मीनों के मालिक हैं, तो आप इनमें बहुत सी काश्तकारी वगैरह कर रहे हैं, सब्जियाँ वगैरह, तो आज ये लहसुन का मौसम है। लहसुन की काश्तकारी किस महीने में शुरू की जाती है? लहसुन की काश्तकारी अगर वैसे देखा जाए तो नॉर्मल ये अक्टूबर और दिसंबर के महीने में काश्तकारी इसकी शुरू हो जाती है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ किसान अपनी ज़मीन के अंदर यानी कि ज़मीन को ना इसके लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं। अक्टूबर और नवंबर में लहसुन की काश्तकारी तो की जाती है, लेकिन लहसुन को काश्त करने के लिए ज़मीन कैसी इस्तेमाल की जाती है वो बताएंगे? इसके लिए जो ज़मीन इस्तेमाल की जाती है वो हमवार होती है, लेकिन ज़मीन तो हमने चूज़ कर ली, उसके बाद उसका जो आगे वाला प्रोसेस होता है उसका ये होता है कि ये भैंसों का जो गोबर वगैरह होता है ना, सूखा गोबर, आपने इसको लेना और इसको अपनी ज़मीन के ऊपर खिला देना। लहसुन की काश्तकारी के लिए ज़मीन कैसे तैयार की जाती है? लहसुन की काश्तकारी के लिए ज़मीन के अंदर खादें वगैरह इस्तेमाल होती हैं, यानी कि लोग तो खादें वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका एक बेहतर हल ये भी है कि आप ज़मीन को ये गोबर वगैरह पहले गोबर अपनी ज़मीन के अंदर डालें, उसके बाद अपनी ज़मीन को हम बार करें अच्छी तरीके से, और जब आप हमवार कर लें जितनी आप उसकी फिर कोडी करें। लहसुन के एक बीज का दूसरे बीज से कितना फासला होना चाहिए? लहसुन के एक बीज का दूसरे बीज से फासला मामूली तौर के ऊपर तो 3 से 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर आप फासला ज़्यादा रखते हैं तो आपका जो लहसुन का एक पीस होता है वो उतना बड़ा हो जाता है साइज़ में, और अगर आपका फासला कम होता है तो उतना आपका जो लहसुन होता है उसकी काश्तकारी में मसला पैदा होता है, वो सही तरीके से काश्तकारी नहीं उसकी हो पाता। लहसुन लगाने के बाद कितनी देर बाद पानी देना? लहसुन लगाने के बाद वैसे तो मामूली तौर पर फौरी पानी देना चाहिए। फौरी पानी देने का ये फ़ायदा होता है कि जो सूरज की शुआएं वगैरह उसके ऊपर पड़ती हैं वो ये लहसुन की काश्त को तबाह नहीं करती। लहसुन के बीज का कितना हिस्सा ज़मीन में और कितना हिस्सा ज़मीन के बाहर होना चाहिए? वैसे नॉर्मली लहसुन के बीज का आधे से ज़्यादा हिस्सा ज़मीन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लहसुन के बीज का आधे से ज़्यादा हिस्सा ज़मीन के अंदर रखते हैं उसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप पानी वगैरह लगाते हैं तो ईजिली पानी सारे बीजों को लग जाता है, और जैसे आपने लहसुन बीजा होता है उसमें कोई दराड़ वगैरह पैदा नहीं होता। और अगर आप लहसुन को आधा ज़मीन के अंदर करते हैं या आधे से कम करते हैं उसका नुकसान भी है। उसका नुकसान ये है कि अब आपने लहसुन का आधा पीस ज़मीन के अंदर रखा है या उससे कम रखा है, तो जब आप पानी वगैरह लगाएंगे तो जो लहसुन आपने बीजा है वो तैर के पानी के ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से फिर फसल सारी ख़राब हो जाती है, इस तरीके से फसल काश्त नहीं हो पाती। लहसुन बीजने के बाद कितने माह बाद तैयार हो जाता है? वैसे तो 5 से 6 माह बाद ये तैयार हो जाता है, यानी कि मार्च और अप्रैल के महीने में आपकी ये जो लहसुन की फसल होती है बिल्कुल तैयार शुदा हो जाती है, आप इसको फिर इजीली निकाल सकते हैं। लहसुन की ज़्यादा पैदावार के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? लहसुन की ज़्यादा पैदावार के लिए तो हम मोस्टली खाद वगैरह यूज़ करते हैं, मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि यानी कि गोडी उसकी की जाती है, पानी की टाइमिंग को बरकरार रखा जाता है, उसके बाद भैंसों के गोबर को उसके अंदर मिलाया जाता है। इन्हीं बातों को आप मद्देनज़र रख के इसकी जितनी बेहतर पैदावार कर सके आप कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो देखी।